मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सिम वर्नियर का मिनीटूबा से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान। पीपीसी के तर्जुमान का कहना है कि हमारे पास पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब करने की बेहतरीन सलाहियत है। मैक्सिम वर्नियर जुमे को बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कैनेडियन फ़ौज लेटविया में यूक्रेनी फ़ौज को ट्रेनिंग देगी। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन यूनिफायर के तहत तरबियती कोशिशों में तीसरे मुल्क को शामिल कर रहे हैं। हमारी कोशिशें हमारे अज़म की अक्कास हैं। मगरबी कैनेडा में गैर मौसमी गर्मी की लहर और खुश्क मौसम का इम्कान। जंगलात में लगी आग बढ़ने का ख़तरा। इन्वायरमेंट कैनेडा का ब्रिटिश कोलम्बिया के अक्सर इलाकों के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी। इसराइल के हमलों में रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के कमांडर समेत 27 अफराद शहीद होने वालों में 5 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी के जवाब में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट बरसा दिए। शाह सलमान ने शामी सदर बशारुल असद को अरब लीग काउंसिल के इजलास में मधु कर लिया। उर्दन में सऊदी सफीर ने शामी सदर को दावतनामा पेश कर दिया। बशारुल असद को 2011 के बाद पहली मरतबा किसी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सिम वर्नियर मिनीटूबा में वफाक नशिस्त के लिए आइंदा ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सिम वर्नियर मिनीटूबा में वफाक नशिस्त के लिए आइंदा ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक साबिक काबीना के वजीर वर्नियर, जिन्होंने 2018 में नई पार्टी बनाने के लिए कंजर्वेटिव काकस छोड़ दिया था, जुम्मे को पोर्टेज लाप्रेडरी में एक बासाबता ऐलान करेंगे। मिनीटूबा की पोर्टेज लेस्कर की नशिस्त इससे कबल तवील अरसे से कंजर्वेटिव एमपी कैंडसन बर्गन के पास थी, जिन्होंने गुज़िश्ता साल पार्टी के अबूरी रहनुमा के तौर पर खिदमात अंजाम दी और फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। बर्नियर ने कहा कि वो इस नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने पर गौर कर रहे हैं, जुज़वी तौर पर क्योंकि ये एक देही इलाके में है जहाँ एक बड़ी फ्रांकोफोन कम्यूनिटी है। बर्गन ने 2021 में 50% से ज़्यादा वोट हासिल करते हुए आसानी से ये नशिस्त जीत ली थी। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के उम्मीदवार 22% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपीसी के तर्जुमान ने बर्नियर की उम्मीदवारी की तस्दीक नहीं की, लेकिन कहा कि ये एक मजबूत इम्कान है। तर्जुमान ने एक ईमेल में कहा कि ये एक वाज़ह तौर पर बहुत सारे वोटर्स के साथ एक हलका है जो पीपीसी के क़दामत पसंद, आज़ादी पसंद और पॉपुलिस्ट नुक्ता नज़र को सियासत में शरीक करते हैं, और जहां हमारे पास पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब करने की बेहतरीन सलाहियत है। बर्नियर का मुकाबला बर्गन के साबिक कैंपेन मैनेजर ब्रेंडन लेस्ली से होगा, जिन्होंने कंजर्वेटिव के बैनर तले इंतखाब लड़ने के लिए नामजदगी हासिल की थी। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने ऐलान किया है कि कनाडा के फौजी अरकान और उनके लेटवियन हम मनसब अगले हफ्ते जल्द ही लेटविया में यूक्रेन के फौजियों को तरबियत देना शुरू कर देंगे। कैनेडियन फौज लिटोया में यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग देगी। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने ऐलान किया है कि कनाडा के फौजी अरकान और उनके
लिटोयन हम मनसब अगले हफ्ते जल्द ही लिटोया में यूक्रेन के फौजियों को तरबियत देना शुरू कर देंगे, जिसका मतलब है कि कनाडा ऑपरेशन यूनिफाइड के तहत अपनी तरबियती कोशिशों में एक तीसरे मुल्क को शामिल कर रहा है जो पोलैंड और बरतानिया से पहले से ही सरगर्म है। अनीता आनंद ने कहा कि ये रूस के खिलाफ जंग जीतने में यूक्रेन की मदद करने के कनाडा के अजम का आकाश है। आनंद ने कहा यह भी एक हकीकत है कि हमारी दुनिया तेजी से तारीख होती जा रही है और 1.5 साल बाद व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर मजीद गैर कानूनी और बिला जवाज हमले को हम नहीं छोड़ सकते। ये जंग करीब करीब खत्म होती नजर नहीं आती। कनाडा ने 2015 से लेकर अब तक रूस के क्रीमिया के इलहाक के 1 साल बाद यूक्रेनी मुसल्ला अफवाज के 36,000 से जायद अरकान को तरबियत दी है। लिटोया में ये प्रोग्राम यूक्रेन के मुसल्ला अफवाज के लिए जूनियर अफसर लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग फराहम करने के लिए तैयार है जो 15 मई से शुरू होगा। आनंद ने यह ऐलान ऑटावा में लिटोया के वजीर दिफा के साथ दो तरफा मुलाकात के बाद किया। उनका कहना था कि मेरा मुल्क सूरत हाल को समझता है, हम जंगी इलाके के बहुत करीब हैं। मगरबी कनाडा गैर मौसमी गर्मी की लहर और खुश्क मौसम के लिए तैयार है जो आने वाले दिनों में अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग के खतरे को बढ़ा देगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मगरबी कनाडा गैर मौसमी गर्मी की लहर और खुश्क मौसम के लिए तैयार है जो आने वाले दिनों में अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग के खतरे को बढ़ा देगा। एक गर्मी की लहर जिससे दिन के वक्त के दर्जा हरारत को मौसमी मयारात से 10 से 15 डिग्री ऊपर धकेलने की तवक्को है, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग के खतरे को बढ़ा रही है जहां अमला पहले ही मौसम की आग से लड़ रहे हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि उफक पर बहुत कम या कोई बारिश नहीं है। अल्बर्टा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के तूफान के इम्कानात को बचाने के लिए इससे पहले के दर्जा हरारत इख्तिताम हफ्ते तक बढ़ जाए। माहिरीन का कहना है कि गर्मी एक ब्लॉकिंग पैटर्न से आ रही है जब कम और ज्यादा दबाव का आम उतार चढ़ाव रुक जाता है और गर्म हवा किसी ऐसे इलाके में बह जाती है जो आम तौर पर ठंडी शुमाली हवा की आमद से आती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इतवार और पीर को गर्मी उरूज पर होगी, ताहम आइंदा हफ्ते मौसम बेहतर रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि अल्बर्टा के उन हिस्सों में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड और इससे ज्यादा हो जाएगा जो पहले ही मौसम के शुरू में जंगल की आग की लपेट में है। अल्बर्टा की हुकूमत ने आतिश जदगी के जवाब में सूबाई हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है जिसने हजारों अफराद को अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। अल्बर्टा के जंगल की आग का डैशबोर्ड आज 76 फाल आग दिखाता है जिसमें से ज्यादातर 23 आग को कंट्रोल से बाहर होने के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है जो सूबे के मगरबी निस हिस्से में फैली हुई है। एनवायरनमेंट कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया के अक्सर इलाकों के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अंदरूनी मकामात पर दिन के वक्त की दर्जा हरारत मौसमी औसत से 10 से 15 डिग्री ज्यादा होगा जबकि रात भर से कम दर्जा हरारत मामूल से 5 से 10 डिग्री ज्यादा होगा। दूसरी जानब अल्बर्टा में जंगल की आग से उठने वाला धुआं फिजा में ज्यादा है और इससे ग्रेटर टोरंटो एरिया के गिर्द हल्की ठंडक का असर पड़ने का इम्कान है। इसराइल के गजा पर मुसलसल फिजाई हमलों में शहदा की तादाद 27 हो गई जिनमें 5 खवातीन 5 बच्चों समेत इस्लामी जहाद के रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के कमांडर भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल के गजा पर मुसलसल फिजाई हमलों में शहदा की तादाद 27 हो गई जिनमें 5 खवातीन और 5 बच्चों समेत इस्लामी जहाद की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के कमांडर भी शामिल हैं। इसराइली फिजाई हमलों में 3 कमांडर्स की शहादत के बाद गजा से 400 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए जिनमें से कुछ को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया और कुछ इसराइली सरजमीन पर गिरे। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने गजा की पट्टी से जवाबी कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए, ताहम किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली और तलबीब में सायरन बजते रहे। इसराइली हुक्काम का कहना है कि बुध की शाम तक गजा से 470 रॉकेट फायर किए जा चुके हैं, ताहम ज्यादातर को इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने गजा के खुले इलाकों में रोक दिया जबकि चंद रॉकेट इजरायली इलाके में गिरे और नुकसान का बाइस बने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इजरायली फोर्सेस और इस्लामी जहाद के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। इजरायली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा पर फिजाई हमलों में एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें इस्लामी जहाद के रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के कमांडर अली गाली मारे गए। इजरायली फौज ने इल्जाम आयद किया कि इस इमारत को रॉकेट्स की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गजा से दागे गए रॉकेट्स में इजरायली सरजमीन पर जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम उन रॉकेट्स हमलों के जवाब में इजरायली फौज ने ताज़ा हमले किए। इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी में इजाफा हुआ जिसमें एक कमांडर समेत 27 अफराद शहीद और 76 जख्मी हो गए। जख्मियों को गहरी चोटें आई हैं।
واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز سے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ میں بمباری اور کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے شامی صدر بشار الاسد کو عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے شامی صدر بشار الاسد کو عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ یہ اجلاس 19 مئی کو ہوگا۔ اردن میں تعینات سعودی سفیر نائف بن بندر السدیری نے شاہ سلمان کی طرف سے دعوت نامہ شام کے صدر کو پہنچایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئندہ ہفتے جدہ میں ہونے والے عرب لیگ سربراہ اجلاس میں شرکت کا دعوی نامہ بشار الاسد کو موصول ہو گیا ہے۔ اردن میں سعودی سفیر نے شامی صدر کو دعوت نامہ پیش کیا ہے اور ایوان صدر نے بشار الاسد کو دعوت نامہ موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ بشار الاسد کو 2011 کے بعد پہلی مرتبہ کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بشار الاسد نے کہا کہ اجلاس سے عرب عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے مشترکہ عرب اقدامات کو وسعت دینے کا موقع ملے گا۔ واضح رہے کہ 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے بعد اس کی عرب لیگ سے رکنیت ختم کر دی گئی تھی، جبکہ بیشتر عرب ممالک نے بھی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ سعودی عرب میں ہونے والی عرب لیگ سمٹ کے دوران شام کی رکنیت بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، اور حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور مصر سمیت کئی عرب ممالک نے شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے اعلیٰ سطحی دورے بھی کیے تھے۔ قاہرہ میں عرب لیگ ہیڈ کوارٹرز میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں شام کی رکنیت کی بحالی کی قرارداد پر ووٹنگ کے بعد شام کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔